Hello students, in this class we are going to see about female athlete triad, osteoporosis, amenorrhea and eating disorders. Okay. Female athlete triad is a syndrome in which osteoporosis, amenorrhea and eating disorders are included. It is simply known as triad. The triad is a serious disorder or illness with lifelong health consequences and can be fatal. In fact, it is a syndrome of three interrelated conditions. If woman athlete is suffering from any one condition of the triad, it is likely that she may also be suffering from the other two conditions of the triad. This triad is a critical disorder which can have lifelong negative effects on the health. So, फीमेल एथलेट ट्रेड क्या है? यह एक डिसऑर्डर है जहाँ पर तीन कंडीशन या तीन डिसऑर्डर जुड़े इंक्लूडेड होते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर. ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस या लाइफ लॉन्ग एक इलनेस या डिसऑर्डर माना जाते हैं, जहाँ पर तीन जो डिसऑर्डर है ये इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ. जहाँ पर एक वोमेन के पास जब ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर आ जाते हैं तो उनके पास बाकी जो एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड का जो सिम्टम्स है वो क्या है? द सिम्टम्स ऑफ ट्रेड में इंक्लूड फैटिक, फ्रिक्वेंट इंजरीज, लॉस ऑफ एंड्योरेंस एंड पावर, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज हीलिंग टाइम फॉर इंजरीज, एनहेंस्ड chances of fracture, low self-esteem, etc. Okay, these are the symptoms of triad. Next, first one we will see osteoporosis. Okay, so osteoporosis or weakness of bones. Osteoporosis is a bone-related disorder. The bones become weak and lose their density due to loss of bone mass. The bones may be get destroyed. ठीक है, तो osteoporosis ये जो है disorder, ये bone के साथ जुड़ा हुआ होते हैं, जब bone related disorder है जहाँ पर जो bone है वो become weak या weak हो जाते हैं and lost their density. ठीक है, तो ये कभी कभी destroy हो जाते हैं या fracture हो जाते हैं. Symptoms of osteoporosis क्या है? The symptoms of this disorder do not appear immediately. A BMD test can determine this problem. ठीक है, जब BMD test करेंगे तब ये देखने को मिलते हैं. BMD मतलब bone mineral density. ठीक है, या bone density के लिए जब test करते हैं उसको क्या बोलते हैं? BMD test, right? तो causes of osteoporosis, first one is genetic. Lack of vitamin D and calcium, diabetes, thyroid, lack of proteins, lack of exercises, consuming too much soft drinks. ठीक है, these are the causes for osteoporosis. Okay. Next, amenorrhea. Amenorrhea is a disorder of menstrual period in women. In this, the menstrual periods of women either does not start or the period is not repeated till 3 or more months. ठीक है, तो amenorrhea क्या है? ये एक menstrual जो disorder है उसके साथ जुड़ा हुआ एक problem है जहाँ पर woman का either does not start or period is not repeated till 3 or more months. ठीक है, ये जो amenorrhea problem है ये एक menstrual problem है जहाँ पर woman का जो period होते हैं वो कभी भी start नहीं होंगे, नहीं तो स्टार्ट होने के बाद एक या दो मंथ के बाद मतलब वो स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है, रुक जाते हैं, रिपीट नहीं होते हैं. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एमेनोरिया डिसऑर्डर. तो ये कॉजेस क्या है? इंटेंसिव एंड एक्सेसिव एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो इंटेंसिव क्या है? हाई इंटेंसिटी के साथ जब एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज,
ठीक है, टू मास एक्सरसाइज जब करते हैं ये भी एमिनोरिया का एक कारण है, ठीक है, तो उसके कारण भी एमिनोरिया हो सकते हैं। नेक्स्ट हार्मोनल चेंजेस के कारण भी एमिनोरिया होते हैं। नेक्स्ट लेस इंटेक ऑफ कैलोरीज, ठीक है, जो मतलब जितना एक वोमेन को पहुंचना चाहिए कैलोरीज, तो उसके हिसाब से कैलोरीज इंटेक नहीं होगा, तो उसका भी एमिनोरिया एक कारण है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मैनी फीमेल एथलेट्स सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल इफेक्ट, देयर आर मैनी इमोशंस लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनैलिटी, कंट्रोल ऑफ आवर इमोशंस व्हिच कैन इफेक्ट हार्मोन्स, अफेक्ट्स हार्मोन्स, द रिजल्ट इन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलैप्स, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी एमिनोरिया का एक कारण है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी ईटिंग डिसऑर्डर, वोमेन सफरिंग फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर्स आर इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड सो एक्सरसाइज टू मच और ट्राई टू वोमिट सून आफ्टर ईटिंग, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या है? ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द बॉडी, ओके, कॉन्स्टेंट फियर ऑफ गेनिंग वेट, यूजिंग मेडिसिंस, हर्बल प्रोडक्ट्स एंड एनिमा टू रिड्यूस वेट, एक्सरसाइजिंग टू मच एंड ईटिंग टू मच एट वन टाइम, ठीक है, एक ही बार में बहुत जब खा जाते हैं, जब ईटिंग करते हैं, ये भी ईटिंग डिसऑर्डर सिम्टम्स हैं। समटाइम्स डाइटिंग एंड समटाइम्स ईटिंग टू मच, ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट ये जो है एनोरेक्सिया नर्वसा एंड बुलिमिया नर्वसा, ये टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर है। ये क्या है? एनोरेक्सिया नर्वसा मीन्स इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल एथलेट्स थिंक ओनली अबाउट फूड, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है, यहाँ पर अमेन एथलेट क्या करते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट ओनली फूड, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम, राइट। बुलिमिया नर्वसा क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन ईटिंग डिसऑर्डर इन व्हिच ए फीमेल एथलेट ईट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एंड देन वोमिट्स इट इन ऑर्डर नॉट टू गेन वेट, ठीक है। इन दिस डिसऑर्डर एन इंडिविजुअल बींग्स ऑन फूड एंड फील्स ए लॉस ऑफ कंट्रोल, देन टू प्रिवेंट वेट गेन ट्राइज टू वोमिट द फूड, ठीक है। तो यहाँ पर बुलिमिया नर्वसा क्या है, ये पहले फीमेल एथलेट बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड खा जाते हैं, उसके बाद वोमिटिंग करते हैं वेट गेन नहीं करने के लिए, ठीक है। तो कॉजेस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, थ्रू द एक्चुअल कॉज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैज नॉट बीन डिटरमाइंड येट, बट द पॉसिबल कॉजेस कुड बी जेनेटिक, मेंटल स्ट्रेस एंड डाइटिंग, ठीक है। एंड प्रिकॉशंस क्या है? कीप हाइट वेट रेशियो अंडर कंट्रोल, ठीक है, इट मीन्स बीएमआई, राइट। इट एट फिक्स टाइम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टॉक टू पीपल टू फाइंड सॉल्यूशंस, राइट। कीप मेंटल स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, डू नॉट ओवर ईट, ठीक है। दीज आर द प्रिकॉशंस फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स, राइट। तो क्या करना है, कीप हाइट वेट रेशियो अंडर कंट्रोल, मतलब बीएमआई चेक करना है, एंड इट एट फिक्स टाइम, ठीक है, जिस टाइम पर खाना है उसी टाइम पर ही खाना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टॉक टू पीपल टू फाइंड सॉल्यूशंस, ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना है और सॉल्यूशंस के लिए जो बाकी मतलब गाइड लेना है, ठीक है। कीप
मेंटल स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, डू नॉट ओवर ईट, ठीक है, दीज आर द प्रिकॉशंस फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।